आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चल रही है। मौसम देखें बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। और ऊपर कुछ ऐसा माहौल है, नीचे जाने का दिल नहीं करेगा। बर्फ़ारी का बिल्कुल काम होने वाला है। और अभी आप ही ने पकौड़े भी बनाने हैं, मैंने अभी उतार रही हैं कपड़े जी। ये देखें बिल्कुल ब्लैक आसमान तकरीबन। साथ वाले के बच्चे मस्तियाँ कर रहे खेल रहे हैं। चले जी कपड़े उतार के अब हम नीचे चलते हैं, फिर नीचे जाके आपको दिखाएंगे। वो देखें सामने पौधा कैसे हिल रहा है। ये रहा अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और सैली रेडी होगी और मैं सैली कर रहा हूँ। मैं पापा नमाज पढ़ने कि मैंने अपनी चाय रखी हुई है। और आज ये मेरा फेवरेट अंडा बना, ये मेरा फेवरेट अंडा है जो बड़े दिनों बाद आज परफेक्टली सही बना है। साथ चिपक जाता है। रोज तुम यही कहते, तुम मुझे एक दिन बता देते कि तुम्हें ऐसा पसंद है तो मैं ऐसा रोज बना देती। ठीक है, इसका रेसिपी जबरदस्त होता है। और यहाँ पे गर्म हो रहा है दूध। अभी सहरी रोज़ा बंद होने में तकरीबन आधा घंटा है और मैं बनाऊँगी चाय। पापा पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, नमाज तो भी नहीं हुई। मैंने लगाई हुई थी मशीन और मैं ऊपर कपड़े डालने आई थी छत पे। और बेइंतहाज धूप इतनी ज़्यादा, सारा मूड ख़राब हो गया। हाँ जी, बच्ची का मूड ख़राब हो गया। बस मैं बना रही हूँ यहाँ पे सालन। आज बन रहा है कद्दू और चिकन। और जैसे नॉर्मल मसाला बनाते हैं इंडिया का, वैसे बना के तो भून रही हूँ। रिकॉर्ड करना था लेकिन शराज जो है ना वो अपनी मायनेज बना रहा था। फातिमा एक हाथ से उसका डलवाओ। ये रहा, तो वो ग्राइंडर चल रही थी और जिसकी वजह से शोर बहुत ज़्यादा था। और फिर ना मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और नीचे का आपको नज़र आ रहा होगा, पर्दा उतरा हुआ है। कपड़े धोए थे तो उसके वो भी वॉश किया था। तो बस इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी और ऊपर से कपड़े उतार के लेके आते हैं, क्योंकि जो वेदर है ना करीबन बारिश होने वाली है। तो छत पे डाले हुए हैं, कुछ नीचे डाले हुए थे और वो मानो बाहर बैठी हुई है। तो कपड़े उतार के लाते हैं, हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी। फिर मैंने भी कमा रहे हैं भाई कैन जी। अभी हमने दही भले बनाने हैं। मौसम बहुत प्यारा हो गया आज। हमने आपको बताया था ना ऊपर कितनी धूप है, देखें। मैंने कहा था मेरा मूड बहुत ख़राब है और साथ ही अल्लाह ताला ने मौसम सही कर दिया। क्या ही बात है, क्या के बंदा। मामा बना रही है पकौड़े, यहाँ पे बन रहा है घी गोश्त का सालन। और हाँ पड़ी होगी शायद, अब इसमें पानी है, ये सूख रहा है। मम्मी पकौड़े बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अच्छे हैं, अल्लाह पाक आप सबको खुशोखुरम रखे, तंदुरुस्ती के साथ रखे अपने घर में। आज फिर लाहौर का मौसम बड़ा गजबनाक हुआ है, बड़ी हवाएं चल रही हैं, फार्मा खुश हो रही है, बड़ी तेज़ हवा चल रही है, लग रहा है अभी बारिश हो जाएगी जी। इसलिए बाहर ना सहन से फ़ौरन मैंने कपड़े उतार लिए, ऊपर से हम उतार लेंगे शीशे देंगे जा। समझ बच्चे तो है नहीं, तुमने कहा पड़ी हैं दो सारी निकली हैं, मुझे लगा पड़ी होंगी। इसको उठा लेना, किसको नहीं टोकरी दो, टोकरी दो। धूप निकली थी तो फातिमा का मूड बड़ा खराब हो गया था, मेरी सर्दी आज खत्म हो गई है। तो आज फिर दोबारा मौसम वैसे ही हो गया, कुछ फातिमा का मूड जून जुलाई अगस्त सितंबर तक खराब ही रहना है। ये बस रोई सर्दी है, आपको पता है ये, तो ये बारिशें है ना हमारे मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, किसान भाइयों के लिए, हम सब के लिए दरअसल। अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि रोजे अच्छे गुजर जाएं मुसलमानों के। इस दफ़ा लगता है लोग इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला खुश है, नहीं तो गर्मी बहुत होती है रमज़ान में। मैं शराज गए हुए हैं पानी लेने के लिए। आपने बस आज हमारा वो पौधा देख, उसे हमारा ही समझ, वो हमारे घर के, वो हमारे घर के सामने, आपने उसे हमारा ही समझना है। क्या हुआ है,
मैंने कहा वो हमारे घर के सामने, आपने उसे हमारा ही समझना, वो हमारा ही है इसलिए हम आपको दिखाते हैं। भाई शराब आ गए बन लेके। क्या टाइम हुआ, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। 6:10 रह गए पड़े हैं वो कपड़े जो हमने उतारे थे। लाइट मैंने फिर से बंद कर दी, इतने सारे कपड़े अभी मैंने इनको सही करना है। चलें बाहर चलते हैं। हवा चल रही है, लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है इसमें। बाबा भी आ गए हैं बाहर, वजू कर रहे हैं, वो आपको नजर आ रहे होंगे, वो आ गए। टेक अ साइट, खुलने वाला है होगा। दस्तरखान मैंने बिछा लिया लेकिन अपनी चीज़ें नहीं रखी, वो रही सामने में। इस बच्चे को रोता लग रहा है। जी 6:25 हो गए हैं, 6:25 पर खुलना है, खुलना है 6:25 पर। बारिश के बाद ये 98% चांसेस है, बोले कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। वो दिखाओ वो सामने जो पौधा है वहाँ पे, ये हमारा पौधा हिल रहा, मैंने आगे आपको बताया था ना। ये आपका पौधा, हमारा पौधा कौन है? रोदा खुल गया। ये कहा क्या ना पहले नमाज के बाद खान पीन समान मिलेगा। ऐसा बड़ी लंबी उन्होंने मजलिस अवतार किया, फिर अर मजलिस जमात न नमाज पढ़ी, फिर उन्हें पर्दा इंज किया ना, तो मैं आगे ना क्या बात है यार, इंज फिर बाद सजा पे पूरा। फिर असं उत्थे ना अवतारी, उन्होंने बेंगन जेड़े लंबे उन्होंने कुछ कुछ उन्होंने चावल भरे, क्या बात। मैं कहना कोई ऐसी डिश नहीं जी नहीं। बाबा अपनी बात सुना रहे हैं, जब पापा तो सऊदी अरब गए थे वहाँ पर अफतारी की थी सऊदियों ने अबू की, वो बता रहे हैं।